लेकिन मेन यही बात थी ना, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने हुआ, हम तो जब भी आते थे फैसला करके आते थे कि भाई तैयारी हो गई और इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से इनकार हो जाता था। ये अब मुझे ये समझ नहीं, यही सवाल तो मैंने कौम पे छोड़ा है कि हम क्यों इलेक्शन में नहीं गए, हम इस ये 9 मई के हालात क्यों पैदा हुए, ना पैदा होते अगर इलेक्शन 3 चांसेस थे और 1 चांस था कि हमारी हुकूमत भी नहीं गिरती थी, वो भी ज़बरदस्त चांस था, तो ये सारे मौके आए, तो अगर ये ना आते तो 9 मई ना होता, इतनी मुसीबत सारी दुनिया के लिए खड़ी ना होती, पीटीआई के वर्कर्स मसलों में हैं, उनके ख़ानदान में मसलों में हैं, उनकी औरतें मसलों में, लोगों पे केसेस हैं, जेल जा रहे हैं, तो मतलब है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम उस वक्त इलेक्शन में चले जाते, सीधा इलेक्शन हो जाता और ये मसले ही ना खड़े होते, तो इस वक्त तो नुकसान सारा तहरीक इंसाफ को हुआ है। अगर कोई समझता है कि तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं है, ये वक्त बताएगा कि बहुत बड़ा नुकसान उठाया हमने जो नहीं होना चाहिए था। सर, अगर इसका मतलब ये है कि अगर फौज गोली चला देती जैसे अभी आपने कहा है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान चाहते थे कि फौज गोली चलाए और उसके एवज में जो लाशें गिरी उसके ऊपर वो सियासत करें, हम ये समझिए सर? ठीक है, आप जो मर्जी समझे, मैंने तो फैसला आप लोगों पे छोड़ा हुआ है, अवाम पे छोड़ा है, जो वो समझते हैं अकल से काम लें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, तो इस सवाल का सबके पास जवाब आ जाएगा। तो मैं किसी पर ये नहीं कहता कि उसका ये ख्याल था, उसका ये ख्याल था, ये तो अल्लाह जो करता है अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ने उस दिन इस मुल्क को बचाया है मेरी नज़र में।